जो वर्टीब्रेड्स हैं जो मैमल्स हैं उनसे ये वेल्स जो हैं वो एवॉल्व हुई हैं अब जो वेल्स हैं ये सबसे बड़ी बड़ी जो हैं, वो जो समंदर में रहने वाली मखलूक है या मैमल्स हैं बहुत दूर से हमें नजर आते हैं बहुत गहरे पानियों के अंदर रहती हैं लेकिन चूंकि ये मैमल है लिहाजा इनको ब्रीथ करने के लिए सरफेस के ऊपर जरूर आना होता है और आप जो है वो अक्सर ऐसे जो डॉक्यूमेंट्रीज uh, देखते होंगे एनिमल प्लेनेट पे या डिस्कवरीज पे कि समंदर के ऊपर जो है वो एक वेल आई है उसने ऐसे जो है वो uh, जैसे uh, जो है वो फुआरसी फेंकी है बेसिकली उसने ब्रीद किया है वो ब्लो होल्स होते हैं उसके अंदर तो वो जो है वो uh, ब्रीद करती है और फिर दोबारा नीचे जो है वो चली जाती है तो ये पानी के अंदर अपना जो है वो ज्यादा टाइम गुजारती है लेकिन इनको ब्रीदिंग के लिए सरफेस के ऊपर आना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल जो है वो एक स्पर्म वेल है ये पानी के अंदर जो है वो तकरीबन 90 मिनट तक जो है रह सकती है लेकिन इसको सरफेस के ऊपर आना है और जो है वो ब्रीद करना है फिर दोबारा नीचे जो है वो चले जाना है तो वेल्स जो हैं वो हमारे पास एक जो है वो लार्जेस्ट तरीन जो है वो एनिमल है ऑन द प्लेनेट। फिर इनके अंदर जो ब्लो होल्स होते हैं जो ब्रीदिंग होल्स होते हैं बेसिकली वो क्या चीज़ें दीज आर मॉडिफाइड नोस्ट्रल्स वो उनके नोस्ट्रल्स और ये उनके हेड के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं और जो है जहाँ से वो एयर इन इंसाइड भी लेती हैं इनको इनटेक भी करती हैं और वहीं से जो है वो एयर को एक्सपेल भी करती हैं वेल्स जो है वो वार्म ब्लडेड हैं जैसे बाकी मैमल्स हैं वो ब्लडेड होते हैं वैसे ही है, है उनके जो है नीचे लेयर एक एक होती है स्किन के नीचे वैसे ही वेल्स की स्किन के नीचे जो है वो फैट की लेयर जो है वो पाई जाती है माइग्रेशन ऑफ ग्रे वेल्स की अभी हम बात करें तो अभी हम सिर्फ वेल्स को ही देख लें और उन्हीं के बारे में जान ले तो हमें कुछ और मिल जाएगा कि एक तो इनकी बॉडी जो है वो फ्यूजी फॉर्म होती है फ्यूजी फॉर्म इस तरह से नुकीली और फिर पीछे से अगेन टेपर हुई हुई इनमें जो लेम्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड इन टू फ्लिपर्स ये इनके लेम्स हैं बेसिकली जो वेल हैं चूँकि जब उनकी फ्लिपर्स को जो है उनकी हड्डियों को जो है उसके स्ट्रक्चर को देखा गया पता चला कि ये बिल्कुल इंसानी जो है वो या मैमल्स के जो हाथ हैं या उनके जो फोर लेम्स हैं उनकी हड्डियों की तरह ही उनके अरेंजमेंट है तो पता ये चला कि ये वो एक मिसिंग लिंक था कि पता चला कि ये जो वेल्स हैं ये जो लैंड के जो मेमल्स हैं वहाँ से एवॉल्व हुई हैं वेल्स की जो स्पीड है जो पानी के अंदर ट्रेवल करने की वो ट्वेंटी नॉट्स है और तकरीबन अभी तक हमारे पास जो है नाइन्टी स्पीशीज ऑफ वेल्स जो वो हम उनको जो है वो आइडेंटिफाई कर चुके हुए हैं टेक्निकली डॉल्फिन्स जो हैं और जो है वो आ, प्रोसो प्रोपोसर्स जो हैं ये भी जो है ये वेल्स हैं ये जिसे आप डॉल्फिन समझते हैं कि किसी और किस्म की मछली नहीं है ये वेल ही है दरक़ी टेक्निकली और इनका जो ऑर्डर है वो है सिटी टी सीटीसिया और ये जो है ये जो ऑर्डर सिटीसिया है इनमें ये जो नाइन्टी स्पीशीज ऑफ वेल्स हैं इनको हम दो मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं लेकिन ये तो दो मेन ग्रुप्स के अंदर डिवीजन है इवन देन जब हम उनका एक जो है वो आ, मैप बनाते हैं जेनेटिक मैप और एंसेस्ट्रल मैप जो है एवोल्यूशनरी मैप बनाते हैं तो पता चल ही चलता है कि 34 फोर ईयर्स मिलियन ईयर्स एगो ये दोनों जो हैं इनके जो आ, जो आज दो ग्रुप्स के अंदर आ, डिवाइड हो गई वेल्स इनका जो है वो एंसेस्टर जो है वो आ, वो कॉमन है उसमें से दो डाइवर्जेंस जो हैं वो हो गई हैं अब जो दो बेसिक किस्म के ग्रुप्स हैं वेल्स के वो हमारे पास हैं ऑडो ऑडोनोटियस और टूथ वेल्स और इनके अंदर जो है वन ब्लो होल होता है और ये जो है वो इसमें 77 सेवन हैं और वो टेन फैमिलीज के अंदर डिवाइडेड हैं दूसरी जो है वो टूथलेस और बेलिन वेल्स हैं ये जो है इसके अंदर दो ब्लो होल्स होते हैं सर के ऊपर और ये जो बेलिन या टूथलेस वेल है इनके अंदर दो ब्लो होल होने का एक मकसद भी है और वो मकसद ये है उसकी वजह ये है कि ये सबसे बड़े साइज की वेल्स हैं जो पाई जाती हैं इसकी फिफ्टीन स्पीशीज आइडेंटिफाइड है जो कि 4 के अंदर जो है वो डिवाइडेड हैं यहाँ पर आप जो है वो बेलीन वेल को और जो है जो वेल है उसको देख सकते हैं ये जो है वो एक बेलिन वेल है जो टूथलेस वेल है और दूसरी जो है वो टुथ वेल है इसके ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे दांत होने चाहिए दर हकीकत वहाँ पे ब्रिस्टल्स होते हैं हेयर्स होते हैं जो कैरेटिन के बने हुए होते हैं और ये जो है ये कोई जो है प्रीडेटर को प्रे नहीं करती हैं बल्कि ये जो है वो जो समंदरी मखलूक है उसको फिल्टर करके जो है वो खाते हैं वहाँ पे नमकीन पानी है ये उस नमकीन पानी को इंसानों की तरह पसंद नहीं करते उसमें से जो उसके जो क्रस्टेशियंस हैं और जो लॉबस्टर्स वगैरह हैं या क्रिल जो है और यहाँ स्मॉल फिशेज हैं उनको जो है वो फिल्टर कर लेंगी उसको अपने गले में जो है वो निगल लेंगी और जो है और ये जो ब्रिस्टल्स हैं दर, दर हकीकत वो उनको होल्ड करने का जो है वो उन जो उन्होंने फूड लिया है उसको होल्ड करने का काम करती हैं लेकिन ये जो टूथ वेल्स होती हैं ये उसको जो है वो अपने प्रे को कैप्चर करती हैं उसको चीर फाड़ करती हैं और जो है वो फिर खाती हैं तो ज़रा इनके देखें टीथ के सॉकेट्स भी हैं लेकिन ये जो बेलिन वेल्स होती हैं ये टूथलेस वेल्स होती हैं और ये इन जगहों को जो ये प्लेट्स हैं ये जो कैरेटिन की बनी हुई हैं इनको ही बेलिन जो है वो कहा जाता है और जो बेलिन वेल्स हैं ये लार्जेस्ट मैमल्स हैं इक्वेटिक ऑन द अर्थ ये इतने बड़े बड़े हैं कि इंसान देख जो है वो हैरान रह जब पता नहीं कितने ढेर सारे इंसान एक ब्लू वेल्स के अंदर आ सकते हैं जब हम इनकी लेंथ मयर करते हैं तो जो है और ये रहते ठंडे पानियों के अंदर हैं ये गहरे पानियों के अंदर रहते हैं ये वेल्स क्योंकि इतना इतना बड़ा साइज है और जो है वो उसको उतना ही गहरा पानी चाहिए ताकि वो रह सके यहां देखिए जरा बेलिन वेल्स जो है उसमें विदाउट टीथ है इनकी जो है वो ये फैमिलीज हैं इसमें जो है वो रोक्यूल्स हैं राइट वेल्स हैं पिग्मी राइट वेल्स हैं ग्रे वेल जिसे हम कह रहे हैं फिर जो है वो इसमें कुछ और हैं जिसे कॉमनली हम कहते हैं ब्लू वेल हैं राइट वेल्स हैं वो हेड वेल्स हैं हम जो है वो बैक वेल्स हैं फिन वेल्स हैं और ग्रे वेल्स हैं ये बेलिन वेल्स और लार्जर टूथ जो है वो वेल्स नजर आएंगी ये हम बैक वेल ये जो है वो कौन सी है ये हमारे पास बेलिन वेल है मिंक वेल अगेन ये यहाँ वाली हमारी बेलिन वेल लुक एट दिस ब्लू वेल इतनी बड़ी जो है वो मैमल ये सबसे बड़ा मैमल जो है इक्वेटे के नेचर है और ये जो है ये पानी में पाया जाता है और इसका और ये बेलिन वेल है इसके जो है वो दांत नहीं है और ये जो है उसके पेक्टोरल फिन हैं ये फिन्स जो है वो जैसे इंसान के हाथ हैं तो ये जो है वो पेक्टोरल फिन्स कहलाते हैं इसमें हड्डियों की अरेंजमेंट जो है वो वैसे ही है मॉडिफाइड फॉर्म में है जो कि इंसान के अंदर या मैमल्स के अंदर होती है फिन वेल्स इसका ज़रा साइज देखिए और जो बेलिन वेल्स की अगर आपको याद हो कि उसमें दो जो थे वो ब्लो होल्स थे तो बे क्यों थे दरकत इनका साइज इतना बड़ा है उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जो है वो जरूरत है साई वेल्स उसके बाद ये ग्रे वेल अब इस ग्रे वेल को हमने जरा गौर से देखना है इनके साइजेस भी यहाँ बताए हुए हैं लार्ज जो है वो ऑडोनेट अब इसमें जो है लार्ज टूथ वेल्स हैं इसमें एक जो है वो स्पर्म वेल सबसे ज्यादा लार्ज है इसका जो है अगर आप गौर से देखें तो इसका मुंह किस तरह से है ये बिल्कुल ऐसे ब्लंट सा है ठीक है दूसरा जो है ये बीक वेल्स हैं यही बीक वेल्स के साथ डॉल्फिन और दूसरी जो है वो स्पीशीज शामिल हैं हमने फोकस इस ग्रे वेल के ऊपर करना है गौर करें इनके अंदर पैटर्नस जो हैं वो जो पिगमेंटेशन के या उनकी बैली डार्क है ऊपर की सरफेस ग्रे है ये डिफरेंट है और कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है वो ग्रे वेल नज़र आ रही है और ये भी कोई छोटे साइज के नहीं होती ग्रे वेल बहुत बड़ी होती है इस जो है वो स्लाइड के अंदर आपको जो है सिटीशियंस यानी कि जो वेल की फैमिली है उसमें बहुत सारी जो है टूथ वेल्स और जो है वो आपको आ, जो बेलिन वेल्स हैं वो नजर आ रही हैं इसमें एक और चीज़ भी है आपको एक कंपेरिजन दिखाया गया है हम अमूमन जो है वो एलिफेंट को वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल जो है वो मानते हैं हमारे सामने आंखों के सामने सिर्फ यही है और बड़ा सारा है और हम उससे खौफसदा भी हो जाते हैं तो वो बताया कि वो नाइन फीट का जो है वो हो सकता है थ्री मीटर्स का हो सकता है नाइन फीट तक बुलंद हो सकता है अब इसी कंपैरिजन को उन्होंने यहाँ पर जो है वो दिखाया है इसमें ब्लू वेल ब्लू वेल जो है ये टूथलेस वेल है इसी तरह फिन वेल साई वेल और जो है नॉर्दर्न राइट वेल बोहेड वेल बर्ड बीकर वेल मिंक वेल हम्पर वेल और ग्रे वेल ये सारी की सारी जो हैं वो नंबर एक के ये जो है वो टूथलेस uh, जो है वो वेल्स है लेकिन इनका साइज जो है वो कंपेयर किया गया है इस जो है वो टेरेस्ट्रियल uh, जो है वो लार्जेस्ट मैमल से और इसमें जो है वो अगर ये नाइन फीट है तो ये कहाँ तक है नाइंटी सेवन या हंड्रेड फीट इतनी जो है वो बड़ी इसमें कितने दस बारह हाथी जो है वो मिल के खड़े हों उनको आप खड़ा कर लें और फिर उसकी लंबाई नापे तो उतनी बड़ी एक ब्लू व्हेल जो है वो होती है इसी तरह बाकी तमाम जो वेल्स हैं उनको भी उनका साइज जरा देखिए सेवेंटी फाइव फिट जो है वो फिन वेल का जो है वो जो है वो लेंथ है इसमें जो है वो साई वेल उसकी जो है फोर्टी सिक्स फीट जो है वो लेंथ है फिर जो है वो नॉर्दर्न राइट वेल जो है वो फिफ्टी नाइन फीट जो है वो लंबी है हेड वेल जो है वो सिक्सटी सिक्स फीट जो है वो लंबी है मिंक वेल जो है थर्टी थ्री फीट लंबी है जो है वो हैम बैक वेल जो है वो फोर्टी सिक्स फीट लंबी है ग्रे वेल जिसे हमने जिसकी जो है वो माइग्रेशन को डिस्कस करना है वो तकरीबन फोर्टी नाइन से फिफ्टी फ़ीट तक जो है वो चली जाती है फिफ्टी फीट तक तो अगर ये जो है वो टेन फीट का हमारे पास ऊंचा सा है और ये थ्री मीटर्स का है और तो हम इसको ज़रा देखेंगे कि कितने एलिफेंट्स जो हैं उनके बराबर जो है वो ग्रे वेल होगी फिर इसके अंदर जो है वो Uh, हमारे पास टुथ जो है वो वेल्स भी हैं जिसमें स्पॉम वेल सबसे जो है वो बड़ी टुथ वेल है और उसके बाद नॉर्वल है फिर जो है वो बेगुला है ये जो है ये टुथ वेल्स की कैटेगरीज हैं और इसमें जो है ये डॉल्फिन्स भी जो है टेक्निकली वेल्स हैं फिर किलर वेल है ये जो किलर वेल है इसके लिटरली जो है वो टीथ होते हैं और ये प्रे करती है और ये ग्रे वेल के जो है वो बच्चों को जो है वो प, उसके ऊपर प्रे करती है उसका प्रीडेटर है फिर जो है एक छोटी सारी जो है वो वेल है प्रोपोज वेल ये भी जो है टेक्निकली जो है वो थोड़ी सी नज़र आती है डॉल्फिन की तरह लेकिन जो है वो ओरिजिनली होती है टेक्निकली जो है ये वेल की स्पीशी है यहाँ पर भी आप बेलिन वेल्स को देख सकते हैं और फिर हमें समझ आता है कि इनके पास जो है वो दो ब्लो होल्स क्यों है और ये टूथ वेल्स जो है और टूथ वेल में सबसे बड़ी जो है ये वेल है जो कि सिक्सटी फीट की और ये उससे ब्लू वेल थर्टी मजीद जो है वो बड़ी है यानी कि हंड्रेड फीट तक है यहाँ पर आप हर वेल की लेंथ देख सकते हैं तो फिर इनकी लेंथ देखने के बाद पता ये चला कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर अगर कोई सबसे लार्जेस्ट मैमल प्रेजेंट है तो वो इक्वेटिक है और वो ब्लू व्हेल है जिसकी जो है वो लेंथ uh, वो 97 सेवन टू हंड्रेड फीट तक जो है वो हो सकती है और ये समंदर में छुपे हुए हैं समंदर तो से कभी जब ऊपर आते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं लेकिन इसको भी देखने के लिए हमें uh, बहुत सब्र और हौसले की और जो है वो बहादुरी की भी ज़रूरत है कि इतना बड़ा सारा एनिमल देख के हम जो है डर ना जाएं